सिंपल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए ऑटो हेडशॉट और उसके बाद इनविजुअल हैक दोनों हैक लेके आया हूँ जो कि 100% वर्किंग है और एंटी बैन है। इससे आपका अकाउंट जल्दी सस्पेंड नहीं होगा, आप लोग बहुत दिनों तक खेल पाओगे। लेकिन आप लोग जो कमेंट करते हो भाई अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। तो सबसे पहला गलती आप लोग करते हो, जो हैक मैं आपको बताता हूँ, आप लोग वो हैक यूज़ नहीं करते हो। उसमें जितने सारे हैक रहते हैं सभी चीज़ आप लोग यूज़ करते हो, तो भाई आपको सभी हैक यूज़ नहीं करना आपको, बल्कि आप जितना कम हैक यूज़ करो उतना बढ़िया आपके लिए, आपका अकाउंट जल्दी सस्पेंड नहीं होगा। यदि आप लोग सभी हैक यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा ही होगा। तो उसमें से आप लोग हेडशॉट हैक है तो आप लोग हेडशॉट हैक यूज़ करो, इनविजुअल हैक हो तो इनविजुअल हैक यूज़ करो, लेकिन एक हैक बंद करने के बाद एक हैक यूज़ करना। मैं ये बात बताता हूँ सभी वीडियो, बल्कि मैं बता देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको कौन कौन सा हैक यूज़ करना है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पर्सनली बता रहा हूँ जो भी हैक मैं बताता हूँ वही आप लोग यूज़ करो, हो सके तो उससे कम ही यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा हैक यूज़ करने से अकाउंट जल्दी सस्पेंड होता है। यदि आप लोग कम हैक यूज़ करोगे तो आप लोग क्या हीरोइक क्या ग्रैंड मास्टर पहुँच सकते हो। मेरे बहुत सारे बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को हैक दिया है तो वो लोग हीरोइक क्या हीरोइक से ऊपर जा चुके हैं। मैंने देखा, मैं खुद पहले प्ले करता था तो मैंने खुद ट्राई किया हुआ, मेरा एक अकाउंट भी है तो मैं कभी उसका भी गेम प्ले डालूंगा तो आप लोग देख लेना। तो सिंपल जो भी तरीका मैं बताता हूँ उसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपका हैक नहीं होगा और टोटल हैक लगाना मत आप लोग। सिंपल तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन होगा उसे ऑल कर दीजिए, जिससे हमारा कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तब तक सबसे पहले पहुँचेगा। और एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक करते हो तो आपका हैक नहीं होगा। मुझे पता है बहुत लोग जानते हैं हैक करने के लिए कि बहुत लोगों ने सीख लिया है, वो लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके कर लेते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखना। तो हैक करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो फाइल होगा, तो दोनों फाइल को आपको डाउनलोड करना है, एक है चाइनीज ऐप है उसके बाद एक है फ्री फायर। सिंपल आप लोग दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ पे जो है यहाँ से थोड़ा चेंजिंग भी हो सकता है, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल आप लोग दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको चाइनीज एप्लीकेशन जो सबसे ऊपर में ग्रीन कलर का है तो उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसे इंस्टॉल करने का आसान प्रोसेस और सेकेंड वाला कैसे इंस्टॉल करना वही मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऊपर वाला इंस्टॉल पर हम लोगों ने क्लिक किया तो हमारे यहाँ से इंस्टॉल स्टार्ट हो चुका है, तो इंस्टॉल होने दीजिए। और तो सिंपल इंस्टॉल हो रहा है तो इंस्टॉल होने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एक फ्री फायर का ऐप है उसे भी आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले बैक आ जाना है इस फाइल से, तो इस फाइल से आपको बैक आना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के एंड्रॉयड फोल्डर में। आप लोग देख लेना कि आपको मेरे एंड्रॉयड फोल्डर कहाँ है, तो आप लोग एंड्रॉयड फोल्डर खोज लेना। और उसके बाद आपको OVV फाइल में जाना है, तो सिंपल आप लोग OVV में जाके com.freefile का, बल्कि फ्री फायर का फाइल होगा जिसमें com.freefile लिखा होगा, तो उस फाइल के लास्ट में आपको 1, 2, 3, 4, 5 कोई एक वर्ड आपको लगा देना है। तो हम लोग यहाँ पे कोई एक वर्ड लगा देते तो आप लोग भी 1, 2, 3, 4, 5 को एक वर्ड लगा देना और सेव कर देना। उसके बाद आपको यहाँ सिंपल बैक आना है और आपके मोबाइल में पहले से जो फ्री फायर गेम है उस फ्री फायर गेम को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर आपको फाइल में जाना और आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 जो भी वहाँ लास्ट में लगाए थे उस वर्ड को आपको फिर से यहाँ से रिमूव कर देना, हटा के फिर से सेव कर देना है। फिर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको जाना उसी फायर मैनेजर पे जहाँ पे मेरा फ्री फायर हैक वाला फ्री फायर है, तो इस हैक वाले फ्री फायर को आपको ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। यदि डाउनलोड किसी से नहीं होता तो एक वीडियो में दे दूंगा लिंक, तो उसमें मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना, तो उस वीडियो को देख के आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तो इंस्टॉल होने दीजिए। और उसके बाद कैसे कैसे ओपन करोगे, कैसे आप लोग इनविजुअल हैक लगाओगे, कैसे हेडशॉट हैक लगाओगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और जो मैं बताऊँगा वही आपको करना। और रिक्वेस्ट, और आप लोग यहाँ देख सकते हो हमारा दोनों एप्लीकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से चाइनीज ऐप को ओपन कर लो, तो हम लोग चाइनीज ऐप को सबसे पहले ओपन करते हैं। तो चाइनीज ऐप ओपन करने के बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने का सबसे ऊपर प्लस का आइकॉन है, उस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फ्री फायर गेम को ऐड कर लेना है। सिंपल तो फ्री फायर गेम आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो सिंपल ऐड पे क्लिक करोगे जैसे तो आपका फ्री फायर गेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्री फायर गेम यहाँ से आपको ओपन करना है, तो आप लोग सबसे पहले ओपन पे क्लिक कर दो, यहाँ से परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे एलो पे क्लिक करना है। एलो पे क्लिक करने के बाद आपका ये फिर से कुछ इस टाइप का आएगा, तो फिर से आपको परमिशन मांगेगा, तो आपको फिर से परमिशन देना पड़ेगा, फिर से आपको एलो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर से आपको फ्री फायर गेम को यहाँ से ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, तभी आप लोग परमिशन देना। तो आप लोग यहाँ मेरा फिर से ओपन हो रहा है, तो ओपन होगा, नीचे में ऐप परमिशन जो
आप लोग देख रहे हो, आपको इस ऐप परमिशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन, SMS, टेलीफोन और आपको ये चारों परमिशन देके फिर से आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से फ्री फायर गेम को ओपन करना है। उसके बाद आपको फ्री फायर गेम ओपन हो जाएगा। ये परमिशन आपका यहाँ से नहीं खुलता तो आप लोग डायरेक्ट जाके सेटिंग में कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद सिंपल हमारा फ्री फायर गेम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा फ्री फायर गेम स्टार्ट हो रहा है, तो फ्री फायर गेम हमारा स्टार्ट होने दीजिए। और उसके बाद क्या, तो हमारा फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। तो फ्री फायर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कौन कौन सा हैक लगाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले एमबोट हैक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले हैक लगाने के लिए सबसे पहले आपको एमबोट को ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद नीचे जाना है। हेडशॉट हैक के लिए मैं बता रहा हूँ, इनविजुअल हैक मैं गेम के अंदर बता दूंगा। एमबोट हैक के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको कौन सा हैक लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे MFOV लिखा हुआ है, इसको आपको सत्यास कर लेना है। उसके बाद इसे स्मूथ को आपको फुल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ESP ग्रैंड है, ESP लाइन है, इसे आप लोग इनेबल जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको बंदा का लोकेशन, इनेबिस का लोकेशन पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकेट रन तो है, मेडिकेट रन को भी आप लोग ऑन कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट आपको फ्री फायर गेम को ओपन करना है। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर से करना चाहूँगा, आपको क्या करना, आप अपने एक न्यू ID बना लेना जो कि आपका हैक ID रहेगा। आप लोग हैक ID से हैक करके खेलो, रैंक पुश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मेन ID से मेन ID की तरह खेलो। मेन ID को आपको इसमें नहीं लाना है क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल अभी हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं, हमारा हैक लगा हुआ। तो सबसे पहले जो हैक लगा हुआ मैं आपको किल करके दिखा देता हूँ, हमारा हेडशॉट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सिंपल आप लोग देख सकते हो, दो गोली बॉडी पे लगा, उसके बाद डायरेक्ट हमारा हेड पे लगा और ये 100% वर्किंग है। और अभी मैं इनविजुअल हैक भी आपको बता, नीचे में हेडशॉट भी शो कर रहा था। सिंपल आप लोग इसी टाइप से हटने के बाद एक गोस्ट हैक होगा, तो आपको क्या करना है, गोस्ट हैक को आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग गोस्ट हैक को क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे हैक लग जाएगा। तो गोस्ट हैक को क्लिक करने के बाद आप लोग जब भी इनिमीज के पास जाओगे तो आप, बल्कि इनिमीज आपको नहीं देख पाएगा, आप इससे कहीं पर भी जा सकते हो। और जैसे बल्कि आप जहाँ पर गोस्ट हैक लगाए अभी आप वहीं पर होंगे, लेकिन आप इनिमीज के पास जाके